नमस्कार, केपी एक्सप्रेस 24/7 में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की सुर्खियां। बीदर में साप्ताहिक कर्फ्यू बेअसर, दोपहर तक रोज की तरह खुला रहा बाजार। स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरे कर्नाटक में सुरक्षा कड़ी। तमिलनाडु का अनुसरण करें, ईंधन की कीमतों में कटौती करें, सिद्धरामैया ने बम्बई से कहा। राज्य सरकार कुछ प्रतिबंधों को फिर से लागू करने पर विचार कर सकती है। ट्विटर अकाउंट अनलॉक करवाने के लिए राहुल गांधी को लेनी पड़ी पीड़िता के परिवार से सहमति। वीरता पुरस्कारों का ऐलान, गलवान के बहादुरों समेत 1380 पुलिस जवान होंगे सम्मानित। तमिलनाडु में 3 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल, द्रमुक सरकार ने ऊंचे दाम के लिए केंद्र को दोषी ठहराया। पीएम मोदी 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को कर सकते हैं संबोधित। जम्मू कश्मीर में आतंक की बड़ी साजिश नाकाम, इंडिपेंडेंस डे पर थी हमले की योजना, 4 आतंकी गिरफ्तार। 15 अगस्त के मौके पर मल्टी लेयर सिक्योरिटी कवर में है राजधानी, रेड फोर्ट पर बनी अटूट दीवार। नहीं भुला सकते बंटवारे का दर्द, पीएम मोदी ने कहा आज मनाएंगे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। कोरोना संकट के बीच कास्ट बेस्ड सेंसस को लेकर सियासत तेज, तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। कक्षा 12 के छात्र ने स्कूलों को फिर से खोलने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का किया रुख। साइरस पूनावाला ने कहा कोविशील्ड की बूस्टर खुराक है जरूरी, 6 महीने के बाद दी जानी चाहिए। केरल में फिर आए 20,000 से अधिक कोविड-19 के नए मामले, पॉजिटिविटी रेट 14.35%। पंजाब में एंट्री के लिए फुल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। भारत बायोटेक के नाक से दिए जाने वाले कोविड टीके को दूसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण की मंजूरी। अफगानिस्तान में चिंताजनक हालात के बीच अशरफ गनी का संबोधन, बोले स्थिरता का भरोसा दिलाता हूं। भुज, द प्राइड ऑफ इंडिया, तकनीकी पक्ष पर कमजोर मगर अजय देवगन के फैंस के लिए हिट है फिल्म। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, खराब फॉर्म से जूझ रहे पुजारा और रहाणे के सपोर्ट में आए केएल राहुल। केपी एक्सप्रेस में आज इतना ही, देखते रहिए केपी न्यूज़ ताज़ा खबरों के लिए। धन्यवाद।